हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट न्यूज़ जो कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा की तरफ से आई हुई है वो आप देख सकते हैं ये भी हाँ, सर्कुलर है वीएफएस ग्लोबल सेंटर इन मदीना फॉर इंडियन नेशनल्स द कौंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म द इंडियन नेशनल इन मदीना रीजन दैट द कौंसुलेट इन कोलाबोरेशन विद वी ग्लोबल हैज़ ओपन ए परमानेंट सेंटर एट द फॉलोइंग लोकेशन इन मदीना फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर वेरियस कौंलर सर्विस यानी कौनसुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा ने ये एक अनाउंस किया है कि मदीना रीजन में एक परमानेंट सेंटर ओपन होने वाला है या ओपन हो चुका है तो आप देख सकते हैं ट्वेंटी फरवरी का ये सर्कुलर इशू हुआ है आप देख सकते हैं डेट ऊपर तो ये सेंटर किधर है परमानेंट सेंटर एड्रेस देख सकते हैं आप इधर अल मदीना अल अलवरा चैंबर ऑफ कॉमर्स किंग खालिद स्ट्रीट अल मबूत डिस्ट्रिक्ट मदीना ये एड्रेस है जहाँ परमानेंट सेंटर कौनसुलेट जनरल का है तो आप वहाँ पर आप अपना पासपोर्ट रीनिवल अटेस्टेशन और वीज़ा सर्विसेज और मिसेलेंस जो भी सर्विसेज हैं तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेना लाजमी ज़रूरी है विदाउट अपॉइंटमेंट वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अपॉइंटमेंट होना चाहिए आपके आपके पास वैलिड अपॉइंटमेंट और आपका तो्यून सिस्टम भी होना चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन भी दिया हुआ है और कॉल सेंटर हेल्पलाइन नंबर भी है और सबमिशन के टाइमिंग्स भी यहाँ पे दिया है सुबह नए नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही रहेगा और संडे टू थर्सडे सिर्फ वर्किंग आवर्स है संडे टू थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दो दिन हॉलीडे रहेगा एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज पब्लिक हॉलीडेज में भी छुट्टी रहेंगी वहाँ पर और नीचे सेकेंड पर देख सकते हैं आप द ओपनिंग ऑफ उप ए परमेंट सेंटर मदीना इज़ अ टेस्टिमोनी ऑफ द कॉन्सुलर कमिटमेंट टू एक्सटेंड इट्स आउटरीच टू ऑल इंडिया नेशनल इट्स कॉन्सुलट जोरिडक्शन ए परमानेंट सेंटर of various कंसोलर services एट their convenience without वेटिंग फॉर द scattered टूर्स पहले क्या होता था वीकली टूर होता था जैसा मदीना में हफ्ते में एक बार यानी फ्राइडे को या सैटरडे को वीकली वन एक टूर आता था लेकिन अभी क्या हुआ मदीना रीजन में ये लोग परमानेंटली सेंटर सेटअप कर दिए हैं मदीना रीजन में जो भी मदीना रीजन के लोग हैं वो यहाँ पर विजिट करके अपना जो भी सर्विस पासवर्ड लेने वाला है वीज़ा या रजस्ट्रेशन जो भी है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं तो आज इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें भी यूट्यूब चैनल को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में